नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल शर्मा एडवोकेट कोटमारी ऑफिस में आज अपने सभी दर्शकों का, अपने सभी सब्सक्राइबर का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपनी इस नई वीडियो के साथ में, जिसमें कि आज मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूं कि स्टैम्प पेपर के ऊपर अगर कोई व्यक्ति अगर आपको कोई मैरिज सर्टिफिकेट बनाकर देता है तो क्या वो सही है या वो उस व्यक्ति ने आपके साथ में धोखा किया है। तो आइए दोस्तों बात शुरू करते हैं। एक कपल ने मेरे को मेरे मोबाइल नंबर पर, मेरे व्हाट्सएप पर उन्होंने एक स्टैम्प पेपर मेरे को भेजा उसकी फोटो खींचकर, और उन्होंने मेरे से पूछा कि सर आप बताइए कि क्या ये हमारा मैरिज सर्टिफिकेट सही है या गलत है। तो दोस्तों देखिए, ऐसा एक स्टैम्प पेपर उन्होंने मेरे को भेजा, और ये जब उन्होंने ये पूछा मेरे से कि सर ये हमारा मैरिज सर्टिफिकेट सही है या गलत है, तो दोस्तों मैं आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूंगा कि यदि आपको कोई भी व्यक्ति अगर ये दावा करता है कि आपको जो है स्टैम्प पेपर के ऊपर आपको मैरिज सर्टिफिकेट मिलेगा, या स्टैम्प पेपर के ऊपर लड़का लड़की दोनों के फोटोग्राफ लग गए और उसके ऊपर मोहर मार दी कि हाँ ये आपका मैरिज सर्टिफिकेट हो गया, तो दोस्तों ये बिल्कुल गलत है। स्टैम्प पेपर के ऊपर कभी भी मैरिज सर्टिफिकेट आपकी या कोर्ट मैरिज का सर्टिफिकेट नहीं बनता है। तो कोई व्यक्ति अगर आपको ये दावा करता है तो दोस्तों आप बिल्कुल सावधान हो जाइए, क्योंकि ये बिल्कुल गलत है। और जो गलत लोग जो होते हैं, जो कि अगर मैरिज सर्टिफिकेट के नाम पर आपको सिर्फ स्टैम्प पेपर दे देते हैं, तो ऐसा दोस्तों गलत है। ऐसे लोगों के पास आप जाने से बचिए, क्योंकि अगर आप मैरिज करने के लिए किसी के पास अगर जाते हैं तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन आपकी लाइफ का होता है। और यदि किसी व्यक्ति के झांसे में आकर अगर आपने ऐसे स्टैम्प पेपर पर अगर आपने शादी करी है तो उसने आपके साथ में धोखा तो किया ही किया, लेकिन उस सर्टिफिकेट को यदि आप कहीं पर अगर दिखाएंगे, उस स्टैम्प पेपर को कहीं अगर आप दिखाएंगे, तो दोस्तों आप बहुत बड़ी परेशानी में फंस सकते हैं। तो मेरी आप दोस्तों से, आप सभी अपने सब्सक्राइबर से, अपने सभी दर्शकों से यह रिक्वेस्ट है कि कभी भी किसी भी ऐसे अनऑथराइज्ड व्यक्ति के पास या किसी ऐसे दलाल के पास में कभी आप ना जाएं, जो कि अगर आपको ये दावा करता हो कि हम आपको जो मैरिज सर्टिफिकेट देंगे वो स्टैम्प पेपर के ऊपर आपको बनकर मिलेगा। कि ऐसे जो लोग हैं जो स्टैम्प पेपर पे जो आपको मैरिज सर्टिफिकेट देते हैं, ये कौन लोग होते हैं? तो दोस्तों देखिए, सबसे पहली चीज कि अगर आप मैरिज करने अगर आप जा रहे हैं तो एक आप अपने विवेक का आप इस्तेमाल जरूर कीजिए कि आप जिसके पास जा रहे हैं वो व्यक्ति वास्तव में एडवोकेट है या नहीं है। तो आप उनसे ये चीज जरूर पूछिए कि आप एडवोकेट हैं, आप वकील साहब हैं या आप नहीं हैं, या आपका ऑफिस कोर्ट में है या नहीं है। क्योंकि जो ऐसे जो अनऑथराइज लोग होते हैं, जो गलत लोग होते हैं, उन लोगों का ना ही तो कोर्ट में ऑफिस होता है, ना ही वो कभी आपको एडवोकेट की ड्रेस में दिखेंगे, ना ही वो वकील की ड्रेस में दिखेंगे कभी आपको, और ना ही वो कभी आपको कोर्ट के अंदर बुलाएंगे। तो आप जाने से पहले आप बार बार सोचिएगा कि आप एक सही जगह आप मैरिज करने जा रहे हैं या आप एक गलत जगह, एक अपने पूरे जीवन का आप डिसीजन लेने आप जा रहे हैं। तो दोस्तों जैसा कि मेरे को लोग जो अपने क्वेश्चन करते हैं और उनके सुझाव और उनकी जो है बातें मैं आप लोगों के साथ में शेयर करता हूं, और इससे मेरे इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों की भी नॉलेज अपडेट रहती है, जिससे कि आप किसी धोखाधड़ी का आप शिकार होने से बच सकें। और यदि कोर्ट मैरिज से संबंधित और अगर आप कोई भी अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं या आप कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, तो जैसा कि आप सभी दर्शकों को मेरे मालूम है, मेरे सब्सक्राइबर को मालूम है कि ये जो ऑफिस आप देख रहे हैं मेरा, ये दिल्ली में 30,000 कोर्ट के अंदर मेरा ऑफिस है। तो अगर यदि आप हमारे पास अगर मैरिज करने आप आते हैं तो आपको एक पूर्ण रूप से आपको भरोसा रहता है, पूरी तरीके से आपको पूरा एक भरोसा रहता है आपको कि आप एक सही व्यक्ति के पास आप मैरिज करने जा रहे हैं और आप कोर्ट के अंदर मैरिज करने जा रहे हैं। तो दोस्तों मेरे इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को यही संदेश आज देना चाहता था। और यदि इस वीडियो से जुड़े कुछ भी अगर आपके सवाल हैं या अगर आपका कोई सुझाव है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी आप लिख सकते हैं, या अगर आप मुझसे अगर फोन पे अगर बात करना चाहें तो आप मेरे इस मोबाइल नंबर पर सुबह 10 बजे से लेकर शाम को सिर्फ 7 बजे तक आप मेरे इस मोबाइल नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कॉल करने से पहले प्लीज आप एक बार आप समय जरूर देख लीजिएगा कि सुबह 10 बजे से और शाम को 7 बजे के बीच ही आप मेरे को कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों सावधान रहिए, सतर्क रहिए दोस्तों, किसी भी ऐसे गलत व्यक्ति के पास आप कभी ना जाएं, यही मेरी आपसे आशा है। और बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ में दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो दोस्तों, अपने ऐसे कपल्स के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने एसोसिएट्स के साथ में
आप इस वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें दोस्तों, सब्सक्राइब करें, और यदि आप इसको सब्सक्राइब करते हैं तो दोस्तों आप मेरे साथ में हमेशा हमेशा के लिए आप जुड़ जाएंगे, जिससे कि बिना किसी विलंब के, बिना किसी परेशानी के आपको मेरी जो आने वाली अपकमिंग वीडियोस हैं वो आपको टाइम टू टाइम आपको देखने को मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच, ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।